कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में लॉकडाउन है। वहीं लॉकडाउन की पालना के लिए भरतपुर में जिला प्रशासन ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में बेवजह घूमने वालों के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए कुछ वाहनों को जब्त किया है। वहीं दूसरी ओर एडीएम सिटी डॉक्टर राजेश गोयल, एसडीएम संजय गोयल और सीओ सिटी हवा सिंह ने सार्वजनिक स्थानों का निरीक्षण कर पूरे हालात का जायजा लिया। साथ ही लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की भी अपील की गई। 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसमें यदि भी कुछ निर्धारित गतिविधियों में छूट दी गई है उनको हम कोई मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन निर्धारित गतिविधियों के अलावा भी कुछ लोग दुकानें खोल रहे हैं और कुछ लोग यातायात व्यवस्था को व्यवधान लगा कर रहे हैं, उनके खिलाफ निश्चित रूप से सख्ती बरत रहे हैं। कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है, कुछ गाड़ियां भी।